गाजीपुर में एक बार फिर कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा है, जिसके कारण लोगों में भय बना हुआ है। गुरुवार को गाजीपुर में कोरोना वायरस के 15 नए केसेस देखने को मिले हैं, वहीं बुधवार को भी 4 नए केसेस पाए गए थे। आइए आपको इन सभी 19 कोरोना संक्रमित मरीजों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि गाजीपुर के सीएमओ डॉक्टर जीसी मौर्या के कार्यालय में एक कर्मचारी के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद सीएमओ कार्यालय को हॉटस्पॉट बना दिया गया है। ये मरीज प्रकाश नगर गाजीपुर के रहने वाले हैं। इसके अलावा एक बड़ी खबर ये भी है कि अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी गाजीपुर का बेटा भी कोरोना संक्रमण का शिकार हो गया है। साथ ही उनके घर में रहकर काम करने वाला एक व्यक्ति भी कोरोना संक्रमण का शिकार हुआ है। ये दोनों सीएचसी मोहम्मदाबाद में रहते थे। एक मरीज गाजीपुर के फुल्लनपुर रेलवे क्रॉसिंग बड़ी बाग गाजीपुर का रहने वाला है। एक मरीज फतेहपुर दिलदार नगर के भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। एक मरीज ग्राम सलेमपुर मोहम्मदाबाद के रहने वाले हैं। इनकी दाल मंडी यूसुफपुर बाजार में दुकान भी है। एक मरीज दिलदार नगर वार्ड संख्या 5 में भी पाए गए हैं। वहीं एक मरीज ग्राम गोंडा देहात गायत्री मंदिर सोहिलापुर थाना कोतवाली के रहने वाले हैं। एक मरीज भट्टी मोहल्ला वार्ड नंबर 21 मोहम्मदाबाद के रहने वाले हैं। 4 मरीज यूसुफपुर वार्ड नंबर 21, एक मरीज करीमुद्दीनपुर मोहम्मदाबाद, एक मरीज लट्ठू डीह गांधीनगर थाना मोहम्मदाबाद के रहने वाले हैं। जफरपुरा वार्ड संख्या 16 मोहम्मदाबाद में भी कोरोना संक्रमण के 2 मरीज पाए गए हैं। इसके अलावा एक मरीज ग्राम फरीदपुर जखनिया के रहने वाले हैं, जबकि एक मरीज ग्राम उतरौली रेवतीपुर सेवराई के रहने वाले हैं। आइए अब आपको गाजीपुर में अब तक हुए कोरोना संक्रमण के बारे में बताते हैं। गाजीपुर में अभी कोरोना से संक्रमित कुल 451 केसेस सामने आ चुके हैं, वहीं 367 लोग डिस्चार्ज भी हो गए हैं। जिले में कोरोना वायरस के कारण 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इन सब के बाद अगर देखें तो गाजीपुर में इस वक्त कुल 78 केसेस एक्टिव हैं। हमारी आपसे अपील है कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करें व सामाजिक दूरी बनाए रखें। और गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।